बिश्केक से तीसरी परवाज मजीद 175 तलबा को लेकर लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई। परवाज के 4571 ने रात 2:25 पर अलाम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारह ने कहा, कोई पाकिस्तान तालिब इल्म जहाँ बाग नहीं हुआ, किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई। तलबा हालात की वजह से खौफ का शिकार हैं। हुकूमत तमाम तलबा की वापसी के लिए इकदाम कर रही है। बच्चों की डिग्रियाँ मुकम्मल करने के हवाले से भी कर्गिस्तान की हुकूमत से बातचीत करेंगे। कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट की डेथ नहीं हुई, कोई ज्यादती का वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, मगर अब हालात को देखते हुए वो ऑब्वियसली एक खौफ का शिकार है। और वज़ीर आज़म साहब सफीर से भी रबते में हैं, हम किर्गिज़ गवर्नमेंट से भी रबते में हैं, लम्हा बलम्हा इसकी अपडेट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कल सुबह हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो जागी हुई है, इस पूरे मामले को देख रही है और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि बाकी स्टूडेंट भी वापस लेके आए। बिश्केक में हालात बहुत ख़राब, हम अपनी मदद आपके तहत पहुंचे हैं, हुकूमती सतह पर हमें कोई मदद मिली ना तहफ़ फराहम किया गया, हमारे पास सबूत मौजूद है, वहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह हम यहां पहुंचे हैं ये हम जानते हैं, यह हमारा अल्लाह जानता है। मकामी अफराद और दोस्तों ने हमारा साथ दिया। बिश्केक से लाहौर पहुँचने वाले तलबा की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। बिश्केक वाकया में कोई पाकिस्तानी जहां बाग नहीं हुआ, तशद्दुद के वाकयात में 16 गैर मुल्की जख्मी हुए, जख्मियों में 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा शामिल। बिश्केक में अब हालात नॉर्मल हो चुके, कर्गिज़ हुकाम की दरख्वास्त पर बिश्केक नहीं जा रहे। यकीन दिलाया गया है कि जो लोग इस वाकये में मुलव्वस हैं इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से जापानी सफीर की मुलाकात, तजारत कारोबार और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल, तलबा के फैकल्टी प्रोग्रामों को फरोग देने पर असूल इतफाक। मरियम नवाज़ ने कहा, जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौके मौजूद हैं, पंजाब बड़े कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। जापानी सफीर का कहना था, जापान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत के साथ इश्तराक कार के लिए पुरअज़्म है। नेट मीटरिंग से मुतालिक पॉलिसी पर नज़रसानी की जाएगी, बिजली चोरी रोकने के लिए इकदाम जारी हैं। केपी हुकूमत भी पंजाब की तरह बिजली चोरी रोकने के इकदाम करे, हुकूमत सोलराइजेशन के हक में है, बिजनेस कम्युनिटी को जल्द बिजली की कीमतों में रिलीफ देंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई की लहर बरकरार, आवाम को रिलीफ का इंतजार, लीमू 800, लहसुन अदरक 700, प्याज 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त, भिंडी 350, अरवी 320, फूल गोभी 120, बंद गोभी 50 रुपए में फी किलो बेची जा रही है, केला दर्जा वाल 180, दर्जा दोम 140 रुपए फी दर्जन में दस्तियाब, पपीता 220, स्ट्रॉबेरी 160 और खरबूजा 120 रुपए किलो में फरोख्त।